किधर बैठ आराम से करण, एक मिनट इधर यहाँ पे बैठ। हाँ क्या हुआ? आराम से, बस बस। अरे आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे मैं कोई अजीब सी बात कर रहा हूँ? मैं सच कह रहा हूँ डैन, मैंने देखा है प्रीता को। करण मुझे तेरी बातों पे विश्वास है, मैंने भी प्रीता को देखा है। देखा मॉम ने भी देखा है, सबको विश्वास है मेरी बात पर। हम सब ने देखा है। एक बार प्रीता के पास जाने दो, प्लीज एक बार प्रीता के पास जाने दो मुझे। मुझे भी तुम्हारी बातों पे विश्वास है क्योंकि मैंने भी प्रीता को यहीं देखा था। पुत्र, हमारी प्रीता जिंदा है। हाँ, मैंने भी देखा है। दादी वो जिंदा है, सच में जिंदा है वो। ये आप सभी लोग क्या बातें कर रहे हैं? ये कह रही है कि प्रीता मर चुकी है, आप सब लोग कह रहे हैं आपने उनको देखा है, मतलब जो इस दुनिया में नहीं है उसको देखा है, भूत देखा है? Shut up, shut up, just shut up. तुम्हारी हिम्मत कैसे प्रीता के बारे में इस तरह से बात करने की? वो भूत नहीं है, वो जिंदा है। Just shut up and leave. करण, करण आराम से बेटा, बैठ बेटा। करण प्लीज, करण काम डाउन। तुम्हें बताओ, अगर प्रीता वहां पे थी तो उसे हम सब ने क्यों नहीं देखा? मैंने नहीं देखा, ऋषभ ने नहीं देखा, महेश पापा ने नहीं देखा, लेकिन मॉम ने, बुआ ने, दादी ने तो देखा है और मैंने भी देखा है। तुम लोग मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? करण, आप सब लोग ना प्रीता को हमेशा से हर जगह देखते आ रहे हैं क्योंकि वो आपकी यादों में, आपके वहम में है। वो एक्चुअली में नहीं है, आप लोगों के लिए वो मर के भी ना कभी नहीं मरी, क्योंकि वो जिंदा है। प्रीता नहीं मरी, मैंने प्रीता को अपनी आंखों से देखा है इसी घर में, अब सबने उससे देखा है, मेरी बच्ची जिंदा है। और दोबारा आपने मुंह से ये कहना मत कि प्रीता मर गई, मैंने भी देखा अपनी आंखों से। अच्छा तो कहाँ है वो बताइए, कहाँ है? अगर वो यहाँ तक आई थी तो घर तक नहीं आई अपने बेटे को मिलने? करण, मैं भी एक माँ हूँ, भले शौर्य को जन्म नहीं दिया मैंने पर पाला, और एक माँ की तड़पना मैं समझती हूँ। वो भी एक माँ है, उसे नहीं तड़प हुई अपने बेटे से मिलने की, वो यहाँ तक आई और अपने बेटे से नहीं मिली, ये कैसे हो सकता है? और तुम क्या कह रहे थे कि तुमने उसे वहाँ आग में देखा, आउट हाउस में? मैं भी थी वहाँ, वहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम थे और कोई भी नहीं। मैंने देखा, सिर्फ तुम थे करण वहाँ पे। और दूसरी बात, तुम कह रहे थे कि उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा था। हाँ। क्यों कोई उसको मारना चाहेगा? करण, मेरी बात ध्यान से सुनो, नहीं है प्रीता, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा धुआं लेने से इमेजिनरी सिचुएशन होने लगती है, वहम हुआ होगा। कोई वहम नहीं हुआ है मुझे, कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं हुई है। प्लीज मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करके इस बात को झुठलाने की कोशिश मत करो। मैंने प्रीता को देखा है, अपनी आंखों से देखा है, बात की है मैंने उससे, मेरे सामने थी वो। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आप डॉक्टर? शांत हो जा बेटा, शांत हो जा प्लीज। ऋषभ, तू तो मेरा भाई है ना, तू तो मेरी बातों पर विश्वास है ना, तुझे तुझे पूरा विश्वास है कि मैंने प्रीता को देखा है? तू भी अंदर आया था ना, हो सकता है तूने भी उसको देखा हो। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।